हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम हैं फरीदाबाद बाईपास रोड पे और यहाँ से हम न्यू फरीदाबाद तक का वर्क अपडेट लेने वाले हैं। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वो एरिया है जहाँ पर आपको एलिवेटेड रोड बहुत कम देखने को मिलेंगे, ज़्यादा तक आपको ग्राउंड पर ही काम देखने को मिलेगा। और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे टेस्ट ट्रायल यानी कर लिया है। और आज फरीदाबाद का वर्क अपडेट देखेंगे कितना कुछ काम हुआ है। और सबसे पहला वर्क अपडेट भी मैंने आपको यहीं से दिया था, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। फरीदाबाद बाईपास रोड पे ज़्यादा तक एक्सप्रेस लेन का पार्ट एलिवेटेड ही होने वाला है, जिसे आप लोग फ्लाईओवर भी बोल सकते हैं। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जहाँ पे रेड लाइट और चौराहे हैं वहाँ पे स्लो डाउन ना हो, वहाँ पे जाम ना लगे। आप देख सकते हैं कि DRA इंफ्राकॉन द्वारा पिलर खड़े कर दिए गए हैं। ये टीम DND के MP एक्सप्रेसवे के इस 60 किलोमीटर के हिस्से पर काम कर रही है, जो कि स्टार्ट हो रहा है DND से और जाएगा KMP खलीपुर इंटरचेंज पे। यहाँ पर चौराहा है जिसकी वजह से यहाँ पे एलिवेटेड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पिलर तो खड़े कर दिए गए हैं लेकिन पिलर कैप को तैयार करने का काम अभी चल रहा है। मुझे पता नहीं था कि दोस्तों यहाँ पे इतना पिलर खड़े कर दिए गए होंगे। हमारी DRA इंफ्राकॉन की टीम ने काफ़ी तेज़ी से काम किया है, तो इस टीम के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करिए, मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ। तो दोस्तों, फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अंडरपास भी होने वाला है। पहले ये नहीं था, अभी प्रोजेक्ट में इसको ऐड किया गया है और NHAI के हेड ऑफिस ने भी अप्रूव कर दिया है। अंडरपास का भी काम आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। यहाँ पिलर सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जो हमारे मोहल्ले के रोड हैं वो इस हाईवे को ब्लॉक ना करें, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो अब यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं होने वाला है, अब यहाँ पर हमारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ऑन ग्राउंड चलेगा। यहाँ पे हमें बहुत कम काम इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लोगों के घर, दुकान और पेड़ पौधे थे उनको हटाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है। अभी भी बिजली के खंभे हटाए जाने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे ड्रेनेज सिस्टम बन चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये एक छोटा सा अंडरपास है, जिससे कि आसपास के क्षेत्रों का पानी और नाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को नीचे से क्रॉस कर सकेगा। दूसरी तरफ भी अभी काम किया जाना बाकी है। आपने जो अभी पीछे रोड देखा वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही था, उसे अभी जल्द ही डामर डाल के तैयार किया गया है और यहाँ पे भी लेवलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ही रोड बनाए जाएंगे। NHAI के लिए ये काम बड़ा ही चैलेंजिंग होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो डेडलाइन है वो 2023 तक की है। ऑन ग्राउंड काम है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। यहाँ पे आपको कोई एलिवेटेड नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हाईवे ही देखने को मिलेगा। अब देखना ये है कि इस पावर लाइन का सेटअप कब तक कर दिया जाता है। अब ये काम अगर मानसून से पहले हो जाता है तो इस रोड को भी रिपेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मानसून में कंक्रीट जो हैं वो जल्दी सूखते नहीं हैं और ट्रैफिक के साथ काम होगा तो स्लो डाउन तो काफ़ी ज़्यादा ही होगा। दोस्तों, इसकी जो स्पीड होने वाली है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। हमारे केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपनी कार में एक्सप्रेसवे पे 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड ट्रायल किया है। ये ट्रायल MP के रतलाम में हुआ है। ये एक्सप्रेसवे 5 राज्यों से होकर गुजरेगा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पहले जहां 24 घंटे लगते थे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, वहां अब 12 घंटे ही लगेंगे। इसका जो टोटल डिस्टेंस होने वाला है वो अप्रॉक्स 1450 किलोमीटर होने वाला है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बनने की पूरी जो लागत आ रही है 11,110 करोड़ की आ रही है। और यहाँ पे जैसे ही 8 लेन का काम पूरा होगा वैसे ही 12 लेन का काम शुरू कर दिया जाएगा, यानी 4 लेन और बनाए जाएंगे। और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से मुंबई की दूरी 130 किलोमीटर तक घट जाएगी। हर साल करीब 32 करोड़ लीटर फ्यूल की बचत होगी, इसी वजह से सालाना 85 करोड़ किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा। एक्सप्रेसवे के पास 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। ये एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर एनिमल ओवरपास बनेंगे ताकि जानवरों को जंगल से सड़क पार कराने में कोई दिक्कत ना हो। इस एक्सप्रेसवे में 3 अंडरपास और 5 ओवरपास होंगे। ये एक्सप्रेसवे बनाने में 5 लाख टन से भी ज़्यादा का स्टील का प्रयोग होगा, जो कि करीब 20 हावड़ा ब्रिज के बराबर है।
इसमें 35 लाख टन सीमेंट लगेगा जो कि पूरे देश के प्रोडक्शन का 1% है। दोस्तों हमने इतनी दूर से वर्क अपडेट ले लिया लेकिन अभी तक हमें सेगमेंट देखने को नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पे पिलर्स और पिलर कैप को भी तैयार कर लिया गया है। चलते हैं आगे, देखते हैं हमें सेगमेंट देखने को मिलते हैं या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अब सेगमेंट लाके रख दिए गए हैं और अब इनको इन पिलर कैप के ऊपर रखा जाएगा जिससे कि ये पिलर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हमने कालिंदी कुंड से फरीदाबाद तक का वर्क अपडेट ले लिया है और फरीदाबाद से आगे का भी आपको वर्क अपडेट जल्दी ही देखने को मिलेगा। अब जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन होने वाली है वो है कालिंदी कुंड से डीएनडी तक की। यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतनी ही जल्दी आपको हमारे आगे की वर्क अपडेट देखने को मिलेगा। और हाँ एक चीज़ और, ये चैनल मैंने क्रिएट किया था रेलवे के लिए लेकिन जितना हमें रेलवे के लोग प्यार नहीं देते हैं उससे ज़्यादा आप एक्सप्रेसवे वाले लोग प्यार दे रहे हो, तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है तो यार लाइक तो कर ही देना। मिलते हैं आने वाली ऐसी ही और वीडियो के साथ, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।